भारत की एक ऐसी रहस्यमय झील जो पानी से नहीं बल्कि कंकालों से भरी है। कंकालों से भरी यह झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। रूपकुंड झील कई रहस्यों से भरी हुई है। इस झील को कंकाल झील या रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। घने जंगलों से घिरी यह झील हिमालय की दो चोटियों त्रिशूल और नंदघुमटी के तट के पास स्थित है। यह झील लगभग 5092 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी गहराई लगभग 2 मीटर है। यह झील टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई 100 खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। हर साल सैकड़ों पर्यटक इस झील को देखने आती हैं और यहाँ पर मौजूद नर कंकालों को देखकर अचंभित होते हैं। रूपकुंड झील में नर कंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में हुई थी। इसकी खोज एक नंदा देवी के गेम रिजर्व के रेंजर एचके माधव द्वारा की गई थी। साल 1942 से हुई इसकी खोज के साथ आज तक सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं। यहाँ हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पल, चूड़ियाँ, नाखून, बाल, मांस आदि विशेषण भी मिले हैं जिन्हें सुरक्षित करके रखा गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कई कंकालों के सिर का फ्रैक्चर भी है। इस झील को लेकर कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ मशहूर हैं। एक प्रचलित कहानी के मुताबिक ये खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की हैं। माना जाता है कि जब वे 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे तो अपना रास्ता भटक गए। तब मौसम भी खराब हो गया और तेज तूफान और भारी ओला की वजह से उन सभी की मौत हो गई। स्थानीय लोग इसे नंदा देवी का प्रकोप मानते हैं। इस झील के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों में भी एक कथा प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस झील में नर कंकालों के मिलने के पीछे का कारण नंदा देवी का प्रकोप है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। राजा अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। स्थानीय पंडितों और लोगों ने राजा को भव्य समारोह के साथ मंदिर में जाने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और वह पूरे जस्ते के साथ ढोल नगाड़ों के साथ इस यात्रा पर निकले। मान्यता थी कि देवी इससे नाराज हो जाएंगी। जैसा स्थानीय लोगों का मानना था, हुआ भी कुछ वैसा ही। इस तरह के दिखावे से नंदा देवी नाराज हो गई। उस दौरान बहुत ही भयानक और बड़े बड़े ओले और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा और रानी समेत पूरा जस्ता रूपकुंड झील में समा गया। इतनी सारी कहानियों के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने इस झील के पीछे के रहस्य को खोज ही लिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के भारतीय आदिवासियों के हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात की भी पुष्टि की है, इन आदिवासियों की मौत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि भीषण ओला की बारिश होने की वजह से हुई थी। यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।